आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल परफेक्ट दानेदार मोहन थाल, जो मुंह में डालते ही घुल जाने वाला है और बहुत ही कम चीज़ों से बनके तैयार भी हो जाता है और खाने में इतना स्वादिष्ट है कि आप एक बार खाएंगे तो इसका स्वाद ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। रक्षाबंधन आने वाला है, ऐसे में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने अच्छे से छान के ले लिया, जो हमारे घर में नॉर्मल बेसन आता है बस हमें वही वाला बेसन ले लेना है। अब हम इसमें 3 चम्मच दूध डाल देंगे। दूध रूम टेम्परेचर पे डालें, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। अब हम इसमें उसी चम्मच से 3 चम्मच घी डाल देंगे, जो हमारे घर में चम्मच होता है बिल्कुल हमें वही चम्मच लेना है। सभी चीज़ों को आप नाप लें। अब हम दूध और घी को बेसन में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे जो बेसन का टेक्सचर है वो दानेदार होता जाएगा। बेसन बहुत स्मूथ होता है और जैसे ही आप इसमें दूध और घी मिक्स करेंगे काफ़ी अच्छे से दानेदार हो जाएगा। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आप लम्स हटा लें, चाहें तो आप छन्नी से छान भी सकते हैं। और ये देख सकते हैं मैंने इसका बिल्कुल ही अच्छा सा दानेदार सा पाउडर बना लिया है, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। फटाफट से मोहन थाल बनाते हैं। मोहन थाल बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है। अब हम इसमें 1/2 कप घी डालेंगे। अब अच्छी सी मिठाई बना रहे हैं तो घी तो लगेगा ही, तो घी का यूज आप आराम से करें। अब हम घी को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जो बेसन का पाउडर बनाए थे उसे डाल देंगे। ये देख सकते हैं इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम लो कर देंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। आपको इसे आराम से रोस्ट करना है और हाथ तो आपके दर्द होने वाले हैं क्योंकि इसमें ही मेहनत लगता है और सारी मेहनत इसी का है। बस आपको इसमें चलाते रहना है। इसमें आपको लगभग 20 मिनट का समय लगेगा बेसन को रोस्ट करने में, क्योंकि जो सारा टेस्ट होता है वो बेसन को रोस्ट करने में ही होता है। बेसन से घी जैसे जैसे अलग होगा बेसन का जो टेक्सचर है वो गीला होता जाएगा। आप इसे आराम से रोस्ट करें और गैस का फ्लेम आप मीडियम लो ही रखें। इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे रोस्ट ना करें। बेसन को रोस्ट करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आप इसे आराम से रोस्ट करें। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा बना रहे हैं तो थोड़ा सा वेट तो करना पड़ता है और मुझे इसे रोस्ट करते हुए 8 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं पहले से थोड़ा सा गीला हो गया है। अभी ये और ज़्यादा गीला होगा, जैसे जैसे बेसन रोस्ट होगा वैसे वैसे ये गीला होता जाएगा। और यहाँ मुझे पूरी 15 मिनट हो चुके हैं और इसका टेक्सचर देख सकते हैं पहले से बहुत ज़्यादा ये गीला हो गया है। हमें इसे ऐसे ही रोस्ट करना है और इसका कलर भी जैसे जैसे रोस्ट करते जाएंगे काफ़ी अच्छे से चेंज हो जाता है ये। और मुझे इसे रोस्ट करते हुए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से गीला भी हो गया है और इसका जो कलर है पहले से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले बिल्कुल लाइट कलर में था, अब काफ़ी डार्क कलर में हो गया है। बेसन बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब यहाँ मैंने 1/2 कप दूध लिया है। अब हम इसमें 1-1 चम्मच दूध डालते जाएंगे। आपको सारा दूध एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, 1-1 चम्मच दूध डालना है। और दूध आप इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म ना यूज करें, रूम टेम्परेचर पर आप दूध का इस्तेमाल करें। और अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें मावा या मिल्क पाउडर जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने से जो इसका टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसमें डाल रहे हैं बेसन कितने अच्छे से फूलते जा रहा है। इसका जो बेसन की क्वान्टिटी है वो दुगुना हो गया, आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें 1/2 कप दूध डाल देंगे और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ड्राई भी हो रहा है। मैंने इसमें 1/2 कप पूरा दूध डाल दिया है। बेसन का जो हमारा मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं और तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है। 1 कप चीनी डाल देंगे और उसी कप से 1/2 कप पानी डाल देंगे। हमें इसे एक तार से थोड़ा सा ज़्यादा चाशनी बनाना है। इसकी जो चाशनी होती है वो 1.5 तार की होती है, लेकिन 1.5 तार से थोड़ा सा कम ही चाशनी बनाए वरना ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और फिर ये हार्ड हो जाएगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से 1 तार से थोड़ा सा गाढ़ा ही मैंने चाशनी बनाया है। ये देख सकते हैं चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हम साइड में रखेंगे और गैस पर हम फिर से बेसन वाला पैन रख देंगे। एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे।
अब हम इसमें जो चाशनी बनाए थे उसे डाल देंगे। सारी चाशनी को हम पैन में डाल देंगे। अब हम इसे ऐसे लगातार चलाते रहेंगे और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन से बिल्कुल अलग ना होने लगे। अभी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से पैन से अलग होने लगता है। आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाते रहना है, गैस का फ्लेम आप लो रखें। इसी स्टेज पर अगर आप इसमें मिल्क पाउडर या मावा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिला लें और ये देख सकते हैं पैन छोड़ते जा रहा है। जैसे जैसे ये पकता जा रहा है वैसे वैसे ये पैन से अलग होता जा रहा है। अभी ये बहुत अच्छे से पैन से अलग होने लगेगा और यहाँ देख सकते हैं हमारा जो मोहन थाल का मिक्सचर है वो बिल्कुल पैन से अलग हो गया है। फटाफट से हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सेट करने के लिए रख देंगे। और अगर आप इसे ऐसे भी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। अब हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे क्योंकि हम इसकी बर्फी बना रहे हैं तो हम इसे सेट करेंगे। और अगर आप ऐसे हलवे की तरह खाना चाहते हैं तो हलवे की तरह भी खा सकते हैं इसे, लेकिन हम इसे सेट करके रखेंगे क्योंकि हम इसे मोहन थाल बर्फी बना रहे हैं तो हम इसे जमाएंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अगर आपके पास सिल्वर वर्क हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं था तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अब हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और पूरे 2 घंटे हो चुके हैं, मोहन थाल बर्फी हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में पलट लेंगे, थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि आसानी से निकल जाए। और ये देख सकते हैं कंटेनर से बहुत आसानी से निकल गया है। अब हम इसे पलट लेंगे, आसानी से पलट जाता है ये। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड चाशनी बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा। आप थोड़ी सी सॉफ्ट चाशनी बनाएं तो थोड़ी सी सॉफ्ट ही बर्फी बनेगी, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है थोड़ा सा सॉफ्ट ही मिलता है और खाने में एकदम मुंह में डालते ही घुल जाने वाला है। आप अपने हिसाब से इसके छोटे या बड़े पीसेस कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैं इसके थोड़े छोटे छोटे ही पीसेस कट कर रही हूँ। और ये हमारा मोहन थाल बनके तैयार हो गया। ये देख सकते हैं इसके पीसेस कितने अच्छे निकल के आए हैं। आप इसे आराम से 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। और अभी तो रक्षाबंधन आने वाला है तो ऐसे में आप इसे बनाकर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा और बनाने में कितना आसान है आपने देखा ही। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।